सब्सक्राइब करन्तु एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा चैनल को एवं पाखरे थिबा घंटी आइकन दबे कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा। तो मु आपन मानको एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत जनाउछि। तो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा जो सीपीटी आम प्रिपेयर होचे तार लेक्चर 4। एटा लेक्चर 4 वीडियो आछि। तो देख पिलाने आम 20 नंबर क्वेश्चन जाए डिस्कसन करते जहाँकि वेक्टर कैलकुलस रही था। तो एबे आम 21 नंबर रु 31 नंबर जाए डिस्कसन करिबा, ठीक अच्छे। तो पिलाने जदि आपण मैंने चैनल को नुआ विजिट कर नुआ आसी तो आम चैनल वीडियो गुड़ जिते सारा पारे सेयार कर दिंतु एवं लाइक कमेंट कर दिंतु। एवं आम चैनल को जदि वर्तमान जाए सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर पाखर थिया बेल आइकन दबाई दिंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु, जहाँफल आम छाड़ा वीडियो मान सर्वप्रथमे आपण देखिपर। तो चलते वीडियो टी आरंभ करिया। कौन रही फर्स्ट क्वेश्चन रही इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू भी सॉरी एफ भी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप टू वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन डेल्टा इंटू भी वेक्टर इज इक्वल टू केते हबो। तो देख पिलाने देठी तुम बाहर करदेव केते हिजो हमर आंसर। तो देख पिलाने डेल्टा क्रॉस भी वेक्टर रो सूत्र कौन रही आई कैप जे कैप के कैप बाय डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई तापर एक्स टू वाई जेड आपको सल्व करदे आम आंसर आसीजे केते ना 0 आसीजो, ठीक अच्छे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देख पिलाने 22 नंबर क्वेश्चन कौन रही ना इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एति दे अछि देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एति दे अछि व्हेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 1 2। तो देख ये आंसर आम कौन बाहर। तो देख पिलाने लेंथ द कर्व एति दे अछि सो पकईदे आम ताकू सल्व करदे आम आंसर पाई के -7/6, ठीक अच्छे। तो ये सब जो रही सल्व करा आपण मैंने निजे करेंगे कहीं आपण मैंने बीएससी में सब पढ़ी अलरेडी। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप कले भिडटी अति लंबा हो तो से सर्ट्रे कर, ठीक अच्छे। तो देख ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ये। तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल देखी केते व्हेयर सी इज द स्क्वायर कट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1 देछि विल बी कौन यूज ग्रीन्स थ्योरम टू जान द लाइन इंटीग्रल इनटू डबल इंटीग्रल। तो देख किपर आम एटी आंसर बाहर कर परिया। तो देख वी नो दैट इन ग्रीन्स थ्योरम आम लिखिदेले गिभेन जाए देछि लिखिदेले आम सल्व करदे तापर एम इज इक्वल टू एति बाहर तापर तार डबल इंटीग्रल आम फ्रॉम इक्वेशन आई रु ने इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सॉल्व कर देला पर हमर आंसर आसीजो एति केते ना 3/2। तो देख पिलाने सॉल्व कर दबो तुम्हें निजे चेष्टा करियो करिया पई जदि न बुझ पारल मते कमेंट सेक्शन में जनइब, ठीक अच्छे। तो देख ये हमर आंसर आसला 3/2। तो 23 नंबर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 नंबर आसीबा द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एति दे द डाइवर्जेंस। तो देख ये डाइवर्जेंस काढ़ापी कही आगुरी मध्य क्वेश्चन आगुरी कर सारी। तो देख पाने तुम्हें यहाँ मन करदी न आस कमेंट सेक्शन में जनइब। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड एति दे एट द पॉइंट 111 इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस के कैप। तो देख पाने ये आंसर आम किपर बाहर कर पारा वी हाव एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पी अफ 11 तेणु ए वेक्टर के आई कैप माइनस जे कैप तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू आम पकईदे। तो देख पाने सल्व करदे आम आंसर ये आसीज देन ए वेक्टर आम काढ़ ए वेक्टर डट डेल्टा एफ वेक्टर काढ़ीदेलापर आम आंसर के 0 ये आसीज देन के आमर ना आंसर 0। तो देख ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक अच्छे पाने। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू वन आट द पॉइंट एति अच्छी इज व्वेयर आई जे एंड के यूनिट नॉर्मल टू वेक्टर्स विथ कौन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देख पाने सॉल्व किपर करहब आमर आंसर गिवन ये लिखिदेल पॉइंट जी लिखिदेल प्रोब्लेम टू द प्रोब्लेम इज फाइंड टू द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस सरफेस ऑफ द स्फीयर एफ एफ इजिकल टू के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू जीरो ना नहीं। देन वी नो द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप इज गिवन बाय तर एन कैप इज गिवन बाय के डेल्टा एफ डेल्टा वेक्टर ए वेक्टर बाय तार मोड ठीक है जी। तो देख आम पुट करदे पुट कर सारा पर आट पॉइंट पी दे जी दे पॉइंट को आम पुट करदे कौन ना एक्स जगार पुट करवा वन बै रुट टू वाई जगार पुट करवा जीरो आ जे सॉरी जेड जगार पुट करवा वन बै रुट टू ठीक अच्छे। तो ये पुट करदे आम आंसर पाईगले के आई कैप बाय रुट टू प्लस के कैप बाय रुट टू। तो देख आई कैप बाय रुट टू के कैप बाय रुट टू देख कौटी अच्छे आंसर देह ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ना नहीं पाने। तो स्टूडेंट्स आपण मानक सतैश नंबर और अठाईस नंबर आपन को होमवर्क देवी। तो सतैश अठाईस नंबर आप होमवर्क करेंगे एवं पूर्वर गोटे होमवर्क दी जाटा करदे तापर आम आसवा अंतरीश नंबर क्वेश्चन को। तो होमवर्क जो दि जाऊँगी आपलीग्राम चेल आमको पठाई पारे नचे आमर ह्वाट्सअप नंबर आमर प्रोवाइड कर दि जाऊँगी से पठाई पारे ठीक अच्छे। तो देख पाने ए फ्लुइड एलिमेंट हाज वेलोसिटी ये अच्छी देन द मोशन एट एक्स कमा वाई इजिकल टू ये अच्छी देन पचार कौन हम ये देख पाने आंसर कौन वेलोसिटी वी वेक्टर इजिकल टू ये तो आम देखीदे यू इजिकल टू आम नहींगल ये भी इजिकल टू नहींगल ना ना पाने देख ये यू आई कैप नहीं जाइए भि जे कैप नहीं जाइए जीरो के कैप ठीक अच्छे। तापर आम तार डेरिवेटिव काटदे सॉल्व करदे आम आंसर के जीरो। तो देख इन टू डायमेंशनल फ्लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल्टा डेल भी बाय डेल वाई इजिकल टू जीरो सैटिस्फाई आट ये देन फ्लूइड इज इन कंप्रेसिबल आट द पॉइंट के डेल्टा इंटू क्रॉस भी वेक्टर। तो देख मुझे आगुरी सूत्र कहीदी तो सूत्र लिखीदेल सॉल्व करदे मोर आंसर आसीगला थ्री रूट टू के कैप इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फ्लुइड फ्लो इज कौन रोटेशनल दस द फ्लुइड फ्लो एट ये द रोटेशनल एंड इन कौन कंप्रेसिबल ठीक अच्छे। तो आमर कौन है आंसर ये रहा ना ए अंतरीश नंबर ए रसर ना नहीं रोटेशनल एंड इन कंप्रेसिबल ठीक अच्छे। थर्टी क्वेश्चन को आम आसवा यूनिट वेक्टर ऑफ इन एक्स एंड जेड डायरेक्शंस आर आई कैप के कैप रेस्पेक्टिवली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जेड इन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट द पॉइंट पी फोर जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस के कैप। तो देख पाने गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इजिकल टू एल एन केते ना एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू लग इ एक्स प्लस जेड स्क्वायर दे वेक्टर इजिकल टू आई कैप माइनस के कैप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इजिकल टू ये देन डेल्टा एफ तार बाहर करदे बाहर कर सारापुर ए कैप आम बाहर करवा ए कैप डट कौन डेल्टा एफ। तो पकईदे आम आंसर आसीजो के सल्व करदे सल्व कलापर आम आंसर आसो वन बै टू रू टू। तो ये तीस नंबर क्वेश्चन आंसर कौन है ना वन बै टू रूट टू। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन आम थर्टी वन क्वेश्चन को आसवा थर्टी वन क्वेश्चन कौन दे ना दे फॉर ए स्कालर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर द ग्रेडियंट ऑफ एट द पॉइंट पी इजिकल टू ये आगुरी मैं ये टाइप क्वेश्चन आम कर सारे कि आपदे वी हाव एफ वेक्टर एफ जहाँ दे लिखिदेव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर ना नहीं तो लिखिदे एवं तार डेल एफ बाहर करवा डेल एफ कौन हम ना आई डेल एफ बाय डेल जे डेल एक्स
तापरे जे सेंती प्लस जे डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के डेल एफ बाय डेल जेड तापरे आम कौन करवा ना ताकि सल्व कर सारा डेल एफ अफ के ना आमर से सल्व कर सारा के आंसर आज ना टू एक्स आई क्या प्लस सिक्स वाई जे क्या प्लस फोर जेड के क्या आमर आसीज ठीक अच्छे तापर आम देखा कौन रही ना तापर आम बाहर करार अच्छे कौन ना ए क्या डट डेल्टा डेल एफ ना नहीं डेल्टा एफ पी आट पॉइंट कौन पी फोर जीरो ना नहीं तो देख आमर के आंसर आस सरी ये पॉइंट दे कौन ना काढ़िया डेल्टा एफ काढ़िया पॉइंट सीटा भूल मुझी तो ये देख वन टू माइनस वन ठीक अच्छे तो देख इजिकल टू आम कौन करवा ना टू आई क्या प्लस ट्वेल्व जे क्या माइनस फोर क्या क्या ये आंसर आम पाई तो ठीक अच्छे देख एक नंबर क्वेश्चन ऑप्शन कौटी अच्छी तो देख ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ना नहीं तो स्टूडेंट आज तो समय आसाना भिडियो ये रखा नेक्स्ट क्लास में आम बाकी जहाँ सब रही डिस्कसन करदे आर एक्सरसाइज लेवल टू आम डिस्कसन करवा तो होपफुली भिडियो भल लगी जदि भिडियो भल लगी आम भिडियो को लाइक कमेंट सेयार करूँ और आम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करनी बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिखाँ तो थैंक यू सो मच।